तो हमारा सामान आ गया, दो हम पकड़ेंगे यहाँ, तुम लोग जाओ फिर से ले आओ, ठीक है? सारा सामान तो एक बार में तुम और पापा ले आए यार, सारा सामान ही ले आए एक बार में। इसका हालत देख सकते हो यार, पूरा घटिया हो गया यार, धूल वूल सब जम गया होगा। तो बाकी हमें स्टेशन पे और मैं वेट कर रही हूँ, एक और अटीची बचा, मम्मी बची है, दोनों को लाना बचा है। तो पापा गए लेने, मम्मी आए मुँह धोने के लिए, अभी बहुत गर्मी लग रहा था। देखो मुझे कहाँ बैठना पड़ गया यार, यहाँ पे क्या करूँ, एक बैग था उसके ऊपर मैं बैठ गई, मम्मी पापा सब खड़े हैं यार, मुझे तो बैठने की जगह चाहिए होती है यार, कहीं तो भी मैं बैठ जाती हूँ, क्या करूँ। तो पानी तो बनता है, ठंडा पानी पीजिए, ठंडक खा जाएगा इसमें, अब एनर्जी आ गया है। हाँ आ गया, ठंडा पानी पीते उसका एनर्जी आ जाता है। 100 किलो उठा लेंगे। और अब ये मैंने चिप्स भी लिया है, माला बैठ गई सीट देख कर। सही है मम्मी आपका ही है, कहाँ से मिली आपको सीट, कहाँ से मिली है सीट? और यहाँ पे अभी एक ट्रेन आने वाली है, और हमारी ट्रेन जो है वो इस साइड आएगी। देखो ये पुलिस जा रहे हैं, यहाँ पे अपना फोन चार्ज लगा सकते हो, चार्जिंग तो नहीं। ट्रेन आ गई है, पता नहीं किसकी ट्रेन है, कौन कौन जाएंगे इसमें, इतने सारे लोग हैं देखो यार। तो आज मेरे पापा ने टोपी नहीं लगाया है, डंग 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 डंग, हंसी आ रहा है सबको, हंसी आ रहा है। तो ये भैया दे रहे हैं रोटी सब्जी, और सब यहाँ पे रोटी सब्जी ले रहे हैं, रोटी सब्जी। रोटी कितना करके दे रहे हो भैया? 30 रुपए करके। कितना रोटी रहता है? चार रोटी 30 रुपए करके भैया देते हैं। देखो गाइस हमारी ट्रेन जो है वो बहुत लेट है यार, तो हम लोग स्टेशन पे कब से बैठे हैं, तो अब मैं यहीं पे सोने वाली हूँ, पता नहीं कब आएगी ट्रेन कब नहीं, क्या हम लोग कोलकाता जा पाएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता यार, बहुत देर से हम यहाँ पे बैठे हैं। अब देखते हैं खाना क्या खाएंगे क्या नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे एगलेस पेस्ट्री मिल रही है, तो मैं वही ले रही हूँ यार। तुम्हारे को भी खाना है? ये भी खाएगी, मैं एक ही ली थी यार। आपको खाना है? चॉकलेट, बटर स्कॉच खाएगा? तो हम तुम लोग दोनों के लिए लेके आ रहे हैं, मतलब आप लोग दोनों के लिए यार, तेरे को तुमकी वजह से पापा को ही बोल दिया, सॉरी। ठीक है, और बहन के लिए भी लेने के लिए आ गई यार, ये 70 देरी 70। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है, और मम्मी पापा सब चढ़, मैंने अपना ही बैग छोड़ दिया, सो अभी हम खड़े हैं यार। ये सीट नंबर देख रही है, ये वाले भैया हमारी मदद कर रहे हैं सीट नंबर जानने के लिए। हम जा रहे वाले हैं, ये बताया 15, 16, 17, 18, ये फोटो ले लिया है, हाँ इसमें ही है। तो टॉफी हमारा कौन सा ट्रेन है? फर्स्ट क्लास AC, A1 फर्स्ट क्लास AC। किस साइड है? ट्रेन छूटने में टाइम है ना भैया, टाइम है ना, छोड़ देना यार। तो अभी हमें कहाँ तो जाना, अभी हमें आगे जाना पड़ रहा है, आगे है हमारा पुलिस अंकल लोग ने सबने देख कर बताया, और कुछ भैया हमारी मदद भी कर रहे हैं सामान के लिए, क्योंकि सामान काफी भारी है। ये अरे हमको पता था हम आप लोग को सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन टॉफी बता दी होगी। कैसा लगा मम्मी? अच्छा लगा। तो सीट भी तो मस्त है, पापा आपको कैसा लगा ये ट्रेन? मस्त है, मस्त है। देखा इस बार हम सरप्राइज दे दिया आप लोगों को, बताए नहीं हम, पापा नीचे सो जाएंगे, तुम लोग ऊपर सो जाओ, ठीक है? ये एक सरप्राइज दे दिया उसे ना, ये प्रॉब्लम था। देखा हम रूम वाला कर दिए, तो पहली बार आया ना मम्मी, पहली बार आई हो ना, ये बार बार सबको बता देती रूम वाला, रूम माना गए थे, पता है इतनी होशियार है ना, तुम मत बताया करो यार। सो गाइस हम ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम AC फर्स्ट क्लास कोच में, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि रूम कैसा है कैसा नहीं, और मेरी बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हो ना? हाँ। और मेरे मम्मी पापा भी, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो चलो दिखाते हैं। तो देखो बाहर मैंने ऐसे गैलरी दिया हुआ है, तुम थोड़ा बाहर घूमो, तो यहाँ पे देखो गैलरी दिया हुआ है, और यहाँ पे मिरर दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे मिरर भी दिया है, तो चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। समझा पहले, तो यहाँ पे खानी से चढ़ पाओगे। तो गाइस देखो मैं तो मस्त ऊपर चढ़ गई हूँ यार, ये बेड बहुत सॉफ्ट है और काफी ज्यादा मजेदार है। और चलो मैं आपको और भी चीज दिखाती हूँ नीचे आके, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, हमें ऐसे एक चद्दर वद्दर मिलता है ताकि हम नीचे लगा पाए, और ओढ़ने का भी, दो चद्दर है इसके अंदर देखो। सो गाइस यहाँ सीढ़ी मिलता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हो, ऊपर में काफी चौड़ी चौड़ी सीट्स हैं, काफी कंफर्टेबल है, स्पॉन्ज है, साथ में हमें मिलता है एक तकिया, 2 चद्दर, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, और साथ में कंबल भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लंबी चौड़ी सीट्स है। पापा अच्छा लगा ना ये सीट? तो पापा मम्मी बहुत आराम से सोने वाले, और नीचे सोएंगे पापा मम्मी कह रहे थे। तो मम्मी आपको सीट कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो
तो यार यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ, यहाँ पे मेरी बहन सोने वाली है। साथ में आपको बता दूँ हम लोग जहाँ सोने वाले हैं ना वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया है, हम चार्ज करते करते फोन चलाते चलाते सो सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें चार्जिंग पॉइंट दिया जहाँ लैपटॉप वैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ एक बेल दिया हुआ है, साथ में ये रेड कलर का इमरजेंसी एग्जिस्ट दिया है, आप इसको टानोगे तो क्या ट्रेन रुक जाएगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको टान सकते हो। साथ में साथ ये देखो ये मिरर दिया हुआ है मेकअप वेकअप करके सुबह बाल वाल बनाने के लिए जैसे स्टेशन आने वाला हो। और यहाँ पे हमें चद्दर वद्दर दिया हुआ है बिछाने और ओढ़ने के लिए। और कंबल तो सभी को मिला है, कंबल एक्स्ट्रा देते हैं ये लोग ताकि आपको ज़्यादा ठंड लगे तो आप दोनों चीज़ ओढ़ लो, क्या मम्मी? और यहाँ पे सीढ़ी मुझे सबसे अच्छी लगी यार, चढ़ के ऊपर चढ़कर सोने वाली सीढ़ी है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल है क्या। और यहाँ पे आपको पर्दा भी मिलता है देखो, ताकि आपको कोई बाहर से देख ना सके तो आप क्या करो यार, पर्दा वर्दा लगा लो, पर्दा भी मिलता है मस्त सा। और रेड कलर का वहाँ पे भी दिया इमरजेंसी वाला। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है अटकाने के लिए, जैसे प्लास्टिक पैकेट्स हो तो आप इसको अच्छे से अटका सकते हो यहाँ पे रख के। और क्या दिखाऊँ आपको, हाँ सबसे अच्छी चीज़ आपको पता है यहाँ की व्यू काफ़ी अच्छी आने वाली है सुबह के टाइम पे। हाँ ठीक है, तो सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी व्यू आने वाली है यहाँ पे, अभी रात हो गई समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलो आपको ये भी दिखाती हूँ, ये ना लाइट है, ये देखो ये लाइट बहुत कमाल की, ऐसे क्लिक करोगे ऐसे लाइट जल जाएगी। तो चलो मैं लाइट ऑफ करके आपको ये लाइट दिखाती हूँ ऑन करके, अब देखो आप। वाह मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है, लाइट का मतलब रिंग लाइट की काम कर रही है लाइट यार। तो गाइस यहाँ पे एक सामान उमान मतलब बॉटल बहन के लिए और पापा के लिए, आप अपना निकाल लो बटर स्कॉच। पापा चॉकलेट को, पापा खाने का मन नहीं करता आजकल, पहले चॉकलेट खाते थे लेकिन अब पापा चेंज कर दिए। तुम्हारे लिए हम लेके आए तो चॉकलेट बोली थी तुम यार, चॉकलेट बोली थी पापा, चॉकलेट बोली थी कि नहीं, वो चॉकलेट बोली थी। तो गाइज ऊपर से आपको दिखाती हूँ, यहाँ की साफ सफाई भी भैया बहुत अच्छे से करते, देखो पूरा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। सो गाइज अब मैं खा रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक, और खा के बताती हूँ कि स्टेशन का क्या। ये क्या स्प्रे कर रहे हो भैया? राइजल, ये राइजल भैया स्प्रे कर रहे हैं हर तरफ। पापा ये राइजल क्या होता है? हाँ भैया राइजल क्या होता है? सफाई होता है इसे, तो बहुत ही अच्छे से भैया ने क्लीन कर दिया है देखो फ्लोर को। तो गाइस देखो मम्मी का बहुत अच्छे से चद्दर लगा दिया मेरी बहन ने, और अपना भी चद्दर लगा दिया मस्त सा, देखो चढ़ चढ़ के लगा दिया। ये भी अपनी बहन से बात कर रही है और मेरी बहन को कह रही कंबल उड़ाओ। वाह मम्मी वाह, ऐसो आराम मम्मी का दे, ओ मम्मी मम्मी। तो चली गई अपने सीट पे, बाकी मम्मी सो रही है, पापा कहाँ है? ये नहीं बोलते काम करके गई, सबका चद्दर नहीं लगाई, बोली नहीं बोलो चद्दर तो। पापा क्या कर रहे हैं? मम्मी तकिया लगा रहे, पापा तकिया लगा रहे और सोने की तैयारी में। चलो मेरा भी लगा दिया अच्छा खासा, देखो अब मैं आराम से सोऊंगी, सिर्फ और चार्ज लगाऊंगी यार। क्या मम्मी क्या टॉफी? गुड नाइट एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। मेरी बहन सो रही है, मम्मी सो रही है और मैं उठ गई हूँ, और पापा उठ गए, अच्छा खासा व्यू देख रहे हैं। और यार इनको उठा रहे, उठ नहीं रहे हैं, चलो उठाते हैं। टॉफी आ गया, चल उठ, वॉशरूम काफी नीट एंड क्लीन था, आप देख सकते हो। वॉशरूम के लिए टॉयलेट पेपर्स वगैरह दिया था, अच्छे से आप हाथ वाथ धो सकते हो। साथ में यहाँ कमोड वगैरह लगा था, डस्टबिन लगी थी, और साथ में हाथ धोने के लिए अलग से साबुन भी था, और इतने बड़े मिरर भी थे यहाँ पे। तो मैंने तो एकदम हाथ वाथ धो के मुँह एकदम अच्छे से धो लिया है, क्योंकि मन कर रहा था वो दो यार, अच्छा लग रहा था मुझे काफी ठंडा ठंडा। नानी घर भी है कहाँ? So guys, अभी पापा ने बताया कि यहाँ पे नहाने के लिए भी एक अलग से वॉशरूम है। एक तो मैंने आपको दिखाया, एक और दिखा यार, मुझे तो पता भी नहीं था इतना अच्छा है। लेट्स सी कैसा है हमारा वॉशरूम। So guys, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, गीजर दिया हुआ है, शावर दिया हुआ है, एंड ये हैंड शावर दिया हुआ है, आराम से आप यहाँ पे नहा सकते हो। ये शावर ऑन करने का है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा यार, ये काफ़ी अच्छा था है ना, आराम से अपना नहा भी लो यार। जब यहाँ पे बड़ी सारी मिरर दी हुई, कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं लग रहा है? मम्मी चादर ओढ़ लो, देख क्या सॉल वाली यहाँ उतर जा। कि यार सारे पेड़ पौधे वाले व्यू चले गए अभी आई थिंक, क्योंकि हमारा कोलकाता आने वाला है।
सो भैया लास्ट में सारे कचड़े लेकर गए यार, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हम पहुंच चुके हैं सियालदा स्टेशन और अब हम जा रहे हैं, यहाँ से हमें टैक्सी करनी होगी कलकत्ता मतलब हमारे घर के पास जाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे आ रही है बहुत तेज़ बारिश और हमने टैक्सी कर लिया है। पापा है ना टैक्सी को ना मतलब टैक्सी हमने किया है, भैया 500 कह रहे थे हमारे घर तक का, लेकिन हमें 300 में पापा ने करवा लिया है यार, तो 300 में आराम से जाएंगे, सामान रख रहे हैं। चलो मैं अंदर बैठती हूँ, यहीं बैठ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे घर, अब जाके शांति मिल रही है। बल्ले हम अपने घर आ गए, बल्ले बल्ले हम अपने घर आ गए, बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले घर आ गए। न्यूज़पेपर आती पढ़ने लग गए, स्टेशन से ले लिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा बारिश बहुत तेज हो रही है, देखो मैं नहा ली हूँ यार, नहा कर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ट्रेन से आने के बाद क्या चिपचिप हो जाता है, क्या नहा के बहुत अच्छा फील होता है। हमने शैम्पू भी कर लिया, बाल पूरा धूल में जम गया था मेरा, और ब्रश नहीं किया अभी तक मैंने, क्योंकि मेरा ब्रश मिल ही नहीं रहा। ब्रश ब्लैक वाली, तो ये मेरी ब्रश मिल गई मुझे। बहुत तेज आ रही है, मैं कुल्ला कहाँ करूँगी आप ही बताओ। तो अब हम करने वाले हैं नाश्ता, तो मम्मी ने ब्रेड बटर और चाय, ब्रेड बटर चाय ये लगा रही अपना बटर, ये देखो। मम्मी भी नहा ली है, ये भी नहा ली है, बस पापा नहाना बाकी है पापा का, क्योंकि हम वॉशरूम में गए हुए थे। पापा मस्त चाय पी रहे हैं, मेरा चाय ये रहा, क्योंकि इसमें चीनी कम है इसलिए मम्मी अलग से मुझे लेके आती है, देती है। मम्मी फ्रीज से बटर लाने में काफ़ी कंजूसी की, इसकी वजह से ज़्यादा बटर लगा नहीं पाई मैं, कोई बात नहीं, इसका बटर सारा ले लिया मैंने। ओ ये भर भर के लगा ली इसलिए बटर नहीं बचा यार। आप सोचोगे ये चलाक नहीं है, देखो ये भर भर के लगा ली है, ये बहुत ज़्यादा चलाक लड़की, आपको पता नहीं है, देख लिया ना आज, आपको प्रूफ मिल गया। तो मुझे लग रहा था मैं इसका बटर ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो खाते हैं अब। सारा धोने का कपड़ा वपड़ा सब इधर निकाला जा रहा है, वॉशिंग मशीन में धुक जाएगा, ये अपना खाली कर लिया है। अब ये देखो यार मेरा इतना सारा कपड़ा वपड़ा सब निकाल के, धोने का कपड़ा अलग करना होगा, इसको मैंने पहना है, इसको धोना ही पड़ेगा, इसको आई थिंक हाथ से धोना होगा, क्या वरना वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाएगी, तो इससे मैं हाथ से धोऊंगा। यादगार चीज़ मुझे मिल गई है, ये हमेशा याद रहेगी, क्या हम एल्बम में लगा देंगे इसको। मैंने ये पूरा खाली कर दिया है, ये पूरा खाली कर दिया, जितना भी कपड़ा है ना मम्मी अलमारी में अच्छे से रख रही है, क्योंकि मम्मी ने सांभा है यार, मम्मी को पता है अगर मैं सामने लग गई तो पूरा खिंडा दूंगी यार, इसीलिए। सो यहाँ पे मेरी बहन भी अपना कर रही है देखो, और साथ में ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हो ना, ये सारे बंडल बंडल, ये सब कुछ धोने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे साबुन वगैरह दिया हुआ था नहीं, क्या मम्मी। तो गाइस बारिश भी आ रही है, कपड़ा कैसे सूखेगा, मम्मी को वो भी टेंशन है, हर घर की कहानी बारिश में कपड़ा कैसे सुखाए, लेकिन आप लोग तो जानते हो मम्मी लोग रूम वूम में ऐसे वैसे करके सुखा ही देती हैं, क्या बस भगवान बारिश रोक के थोड़ा धूप दे दो, हमें कपड़ा सुखाना, बहुत कपड़ा हो चुका है। तो आपको हमारी मंदिर दिखाती हूँ, ओह माय गॉड, काश मैं होती आज जन्माष्टमी वाले दिन, तो ये काकी काका सब ने मिलकर ऐसे मतलब भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और भगवान शायद नीचे है हमारे, कहाँ है लड्डू गोपाल, शायद अभी नीचे है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, देखो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है काका और ने, पूरा एकदम मस्त लग रहा होगा यार, देखो सब सामान इसमें, और अब आप मेरा ये देखो, मम्मी ने अच्छे से साम दिया है, देखो सब कुछ परफेक्टली सेट कर दिया है, देखो सो एक थैंक यू तो बनता है मम्मी को, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मम्मी ने बनाया है चावल आलू की सब्जी और ये दाल, तो बहुत दिन बाद मुझे खाने मिलेगा घर का। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, और कल हम लोग ये व्लॉग को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो व्लॉग को आप लोग सारा मतलब पूरा छोड़ा मत करो, बीच बीच में सब देखा करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करो, तो कल मिलती हूँ, बाय।